केयर करें। जैसे कि आप जानते हो कि ये एक ऐसा ऐप है जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। क्यों पॉपुलर हो रहा है? क्योंकि इस ऐप पे, इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर प्रोडक्ट के प्राइस है जस्ट रुपीज, 2 रुपीज का है कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट 4 रुपीज का, 10 का, 17, 20, मीन्स काफी ज्यादा, जो जिन प्रोडक्ट का प्राइस काफी ज्यादा है, बट इस वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट आपको इतने कम प्राइस पे मिल रहे हैं। तो जैसे कि आज है 26 फेब से लेके 28 फेब तक 3 दिन सेल चलेगी इस सेल एट कॉस्ट ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, और अगर आप इन 3 दिनों में शॉपिंग करोगे तो आपको इतने कम प्राइस में मिलेंगे प्रोडक्ट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आखिर में इस सेल एट कॉस्ट की रियलिटी क्या है, और मैंने भी आज शॉपिंग की थी अपने कार्ट में, काफी ज्यादा प्रोडक्ट मैंने कुछ दिनों से मैंने शॉपिंग करके डाले हुए थे कि मैं भी जब 26 फरवरी को 7 बजे सुबह सेल लग जाएगी तो मैं भी जल्दी से इन सभी प्रोडक्ट को कर लूंगी परचेज। बट ऐसा क्या हुआ कि बाद में मैंने सारे प्रोडक्ट डिलीट कर दिए, कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस या अपना रिव्यू इस सेल एट कॉस्ट वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर, कि आपको सच में प्रोडक्ट परचेज करने चाहिए क्या, सच में आपको इतने कम प्राइस में प्रोडक्ट सच में मिलेंगे, कहीं आपको चूना तो नहीं लग रहा। तो ये आज का वीडियो पूरा चेक कर लें, देन फिर बाद में डिसाइड करें कि आपको सेल एट कॉस्ट पे जाके प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं करना। सो प्लीज गाइस कीप वॉचिंग। सो ये है मेरा सेल एट कॉस्ट का शॉपिंग कार्ट। तो मैंने 40 के अराउंड प्रोडक्ट्स की शॉपिंग की थी और मेरा टोटल प्राइस बना था 1,461 रुपीज़। बट जब अगर आप पेटीएम करोगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 3,942 रुपीज़, क्योंकि एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस लगते हैं, एडवर्टाइजिंग फी भी पे करनी पड़ती है। तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 3,997 रुपीज़ पे करने पड़े अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तब भी आपको पे करने पड़ेंगे कम से कम 3,343 रुपीज़, यानी कि आपको 2.5 गुना ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है सेल एट कॉस्ट पे। तो अगर आप जस्ट 24 रुपीज़ की शॉपिंग करते हो सेल एट कॉस्ट पे, जस्ट ये 2 प्रोडक्ट ही परचेज करते हो, फिर भी आपको पे करने पड़ेंगे इसके लिए कम से कम 206 रुपीज़। तो पेटीएम करोगे तो 206 रुपीज़ आपको पे करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस जस्ट एक ही प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो, जस्ट ये 4 रुपीज़ के ब्रशेस का सेट परचेज कर लेते हो, तो इसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए 148 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर आप पेटीएम करोगे। तो अगर ये सेम ब्रशेस का सेट अगर आप क्लब फैक्ट्री से परचेज करोगे, वहाँ पे आपको 120 रुपीज़ में ये सेट मिल जाएगा और कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। 120 का है तो आपको 120 पे ही डिलीवरी मिलेगी, यानी कि फ्री शिपिंग चार्जेस है क्लब फैक्ट्री पे। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कहाँ पे डील है बेटर। और जो यही 4 रुपीज का सेट अगर आप सेल एट कॉस्ट पे परचेज करोगे तो वहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी पे 203 रुपीज करने पड़ेंगे पे। तो ये है मेन डिफरेंस सेल एट कॉस्ट का क्लब फैक्ट्री के साथ। तो देखा हमने, ये था रीजन जिसके कारण मैंने सारे प्रोडक्ट रिमूव कर दिए अपनी लिस्ट में से, कोई भी प्रोडक्ट मैंने सेल एट कॉस्ट से परचेज नहीं किया। तो जैसे कि अगर आप सोचते हो कि 10 रुपीज का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है सेल एट कॉस्ट पे, काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा है, बट वो 10 रुपीज में आपको नहीं मिलेगा, उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस लगेंगे, टैक्स लगेगा, एडवर्टाइजमेंट फी लगेगी और रिटर्न शिपिंग इंश्योरेंस भी लगेगी। तो अगर आप 10 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज करते हो या 100 रुपीज का भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, इन दोनों के ऊपर डिफरेंट शिपिंग चार्जेस, टैक्स चार्जेस, रिटर्न इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट फी वो डिफरेंट है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो अगर आप भी अपनी कार में प्रोडक्ट को आप पिक करके डाल रहे हो, शॉपिंग करने लगे हो सेल एट कॉस्ट पे, तो नीचे जाके व्यू सेल एट कॉस्ट बिल के ऊपर जरूर क्लिक कर लें और पहले पूरी डिटेल्स चेक कर लें कि आपको 10 रुपीज का प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर रहे हो तो 10 रुपीज का प्रोडक्ट कितने में मिलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्रश है, ये सेल एट कॉस्ट पे मिल रहा है जस्ट 13 रुपीज में मिल रहा है। इसका प्राइस यहाँ पे मेंशन है 13 रुपीज। तो 13 रुपीज को देख के हर कोई इस ब्रश को अपनी कार्ट में ऐड कर लेगा। तो जब आप जाके बिल पे चेक करोगे, जब आप चेकआउट करोगे तो वहां पे जब आप सेल एट कॉस्ट पे जो उसका बिल है वो व्यू करोगे तो वहां पे आपको जितने भी चार्जेस हैं इस 13 रुपीज के ब्रश के ऊपर लगेंगे। देन उन चार्जेस को लगने के बाद इस ब्रश का टोटल प्राइस बन जाएगा 171। और जो ये ब्रश सेम ब्रश है अगर आप क्लब फैक्ट्री से परचेज करोगे तो आपको 146 रुपीज में मिलेगा।
कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट फी नहीं, कुछ नहीं लगेगा। 146 का ये ब्रश वहां से मिल रहा है तो आपको 146 में ही मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। ओवरऑल गाइस कोई भी डिफरेंस नहीं है सैलेड कॉस्ट और क्लब फैक्ट्री से प्रोडक्ट परचेज करने में, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जस्ट 20 और 30 रुपीज का है डिफरेंस। जैसे ये 30 रुपीज का जो ब्रश वो सैलेड कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, टोटल 171 रुपीज में आपको पड़ेगा, और अगर यही ब्रश आप क्लब फैक्ट्री से परचेज करोगे तो आपको 146 रुपीज में पड़ेगा। तो आप खुद ही सोचो 30 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सैलेड कॉस्ट पे, जिसको लोग आजकल कह रहे हैं कि काफी सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं सैलेड कॉस्ट। मैंने काफी सारी वीडियोस भी देखी, वहां पे भी मैंने काफी सारे प्रोडक्ट देखे कि कितने कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहे थे। उसी चक्कर में मैंने भी अपनी कार्ट में इतने सारे प्रोडक्ट आज ऐड कर लिए, तो मैंने सोचा 26 फेब को लगनी है सेल, तो मैं भी ये सारे प्रोडक्ट की करूंगी शॉपिंग। तो बट बाद में जो रियलिटी मुझे पता लगी वो मैंने आज आपके साथ की है शेयर। तो मैं ऐसे कोई बुरा नहीं कह रही कि सैलेड कॉस्ट बुरी वेबसाइट है, बस आपने ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस आपको कम शो हो रहा है उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें अगर आप आज सैलेड कॉस्ट पे शॉपिंग करने जा रहे हो। तभी मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ शेयर करूँ आज का इस ये वीडियो, सैलेड कॉस्ट और क्लब फैक्ट्री का कंपेरिजन वीडियो भी कह सकते हो, ये जस्ट कंपेरिजन है। तो सैलेड कॉस्ट की एक और बात है कि मैंने वहां पे प्रोडक्ट परचेज करने की सोचे थे कि मैं बैग्स करूंगी परचेज। जब मैं बैग परचेज करने गई तो सारे बैग्स के ऊपर काफी ज्यादा मोस्टली वेटिंग ही चल रही थी, मीन्स वेटिंग में है वो आपका प्रोडक्ट, वो आपको मे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको कोई बैग भी चाहिए उतने प्राइस में आपको वो क्लब फैक्ट्री पे मिल जाएगा और वहां पे स्टॉक होता है। तो ओवरऑल गाइज मैं यही सजेस्ट करती हूँ सैलेड कॉस्ट पे शॉपिंग करने के बजाय आप क्लब फैक्ट्री से easily प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। सो गाइज ये था मेरा आज का सैलेड कॉस्ट के ऊपर मेरा वीडियो, एंड आई होप आज का वीडियो देखने के बाद अब आपको रियलिटी पता लगी होगी कि वहां पे सच में प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो जो लोग सैलेड कॉस्ट पे शॉपिंग कर रहे हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर कमेंट करें कि आपने वहां से क्या क्या किया परचेज, आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये डेफिनेटली आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके कर सकते हो शेयर। और ये था मेरा आज का ओवरऑल वीडियो, एंड आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching. Bye-bye.